के स्टार्ट में हमें एक फार्म हाउस को दिखाया जाता है जहाँ पर रात का वक्त था और एक चमकती हुई रोशनी उस फार्म हाउस में दिखाई देती है। ये चमकती हुई रोशनी कोई और नहीं बल्कि एक मैजिकल क्रिएचर था। अब जब सुबह होती है तो फार्म का ओनर ये देखता है कि उसके फार्म को किसी ने बर्बाद कर दिया है। अब उस ओनर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि ये सब उस रोशनी की वजह से हुआ था। अब फार्म का ओनर अपने तीनों बेटों को बुलाता है और कहता है कि अब तुम तीनों को इस फार्म की पहरेदारी करनी होगी। और यहीं पर हम ओनर के सबसे छोटे बेटे जॉन को देखते हैं। जॉन को सभी निकम्मा समझते थे और उसके बड़े भाई भी उसकी अच्छाई का फायदा उठाते थे। जॉन के भाई उसको अकेले ही पहरेदारी करने का कहते हैं। जॉन भी इस काम के लिए मान जाता है और पहरेदारी के लिए अकेला ही तैयार हो जाता है। अब जब जॉन फार्म पर बैठा हुआ था तो अचानक से वहाँ पर उसको कुछ आवाज सुनाई देती है। वो अपने पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे एक व्हाइट कलर का घोड़ा खड़ा था। जॉन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि उसने इतना बड़ा और सफेद कलर का घोड़ा देखा है। अब वो उस घोड़े को पकड़ने की कोशिश करता है। एक रस्सी वो घोड़े पर डाल देता है। अब वो घोड़ा तेजी से भागने लगता है मगर तभी जॉन उस रस्सी को पकड़ लेता है जिस वजह से जॉन भी उस घोड़े के साथ आगे चला जाता है। मगर जब घोड़ा थोड़ा सा आगे जाता है तो वो अनबैलेंस हो जाता है और दलदल में गिर जाता है। अब जॉन उस घोड़े की मदद करता है, उसको दलदल से बाहर निकाल लेता है। तभी जॉन देखता है कि उस घोड़े की आंखों में आंसू थे और ये देखकर जॉन उस घोड़े के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा फील करता है। जॉन उस घोड़े से ये प्रॉमिस लेता है कि आइंदा वो घोड़ा उनके फॉर्म पर नहीं आएगा, जिसके बाद वो घोड़ा जॉन को शुक्रिया कहता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जॉन भी अपने घर आ जाता है। अब जॉन को दोबारा अपने फॉर्म से कुछ आवाजें आती हैं। जब जॉन वहाँ पर चेक करने जाता है तो वहाँ पर जाकर वो हैरान हो जाता है। वहाँ पर दो घोड़े बंधे हुए थे। अब इससे पहले जॉन वहाँ पर कुछ समझ पाता, उसको एक आवाज बताती है कि ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। जॉन जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसको एक छोटा घोड़ा नजर आता है जो कि उसको बताता है कि मेरा नाम फॉल है। असल में फॉल उस घोड़े का बेटा था जिसको जॉन ने रात को बचाया था। फॉल जॉन को बताता है कि मेरी मदर तुमसे बहुत ज्यादा खुश है, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे लिए ये गिफ्ट भेजा है। जॉन ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी जॉन को अपने फादर की आवाज आती है। अब जॉन जल्दी से बाहर आता है और अपने फादर को बाहर रखने की ही कोशिश करता है ताकि वो अंदर ना चले जाएं। अब जॉन अपने फादर के जाने के बाद फॉल पर बैठ जाता है और फॉल बहुत ही तेजी से भागता है। उसकी स्पीड को देखकर जॉन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अब एक जगह पर पहुंचकर फॉल सीटी बजाता है। अब फॉल की सीटी को सुनकर स्टेबल में खड़े हुए दो घोड़े भी उनके पास आ जाते हैं। जॉन ये सोचता है कि वो इन घोड़ों को मार्केट में ले जाकर बेच देगा। जॉन उन घोड़ों को मार्केट में लेकर जाता है तो उन शानदार घोड़ों को लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। किसी ने भी ऐसे शानदार घोड़े कभी नहीं देखे थे। यहाँ पर काफी ज्यादा लोग जॉन से घोड़ों को खरीदने की बात भी करते हैं। अब फॉल भी जॉन को ये कहता है कि वो ये दोनों घोड़े उस बूढ़े आदमी को बेच दे, मगर जॉन ये दोनों घोड़े किंग को ही बेचना चाहता था। जब किंग वहाँ पर आता है तो उसको भी ये दोनों घोड़े बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, मगर किंग का मिनिस्टर उससे कहता है कि उसको ये दोनों घोड़े चोरी के लग रहे हैं। किंग इसी बात का फायदा उठाकर बगैर पैसों के जॉन से वो दोनों घोड़े ले लेता है। जॉन किंग से जो पैसों की बात करता है तो किंग उसको बगैर जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। फॉल यहाँ पर जॉन को डांटता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ये दोनों घोड़े उस बूढ़े आदमी को बेच दो। खैर फॉल जब जॉन को उदास देखता है तो वो दोबारा से सीटी बजाता है और वो दोनों घोड़े जॉन के पास आ जाते हैं। लेकिन उन दोनों घोड़ों की वजह से किंग की बग्घी पलट जाती है और वो आटे की बोरियों में गिर जाते हैं। अब किंग को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा तो आता है मगर किंग चैम्बर की वजह से कुछ भी नहीं कहता और वो जॉन से इन घोड़ों की कीमत लगाने का कहता है। जॉन उन घोड़ों की बहुत ही ज्यादा कीमत लगाता है जिस पर किंग के लोग उसको सजेस्ट करते हैं कि वो जॉन को अपने पास ही काम करने के लिए रख लें, क्योंकि जब जॉन यहाँ पर रहेगा तो किंग अपनी बेइज्जती का बदला भी ले सकते हैं। जॉन भी उनकी बात को एक्सेप्ट कर लेता है और वहाँ पर रहकर किंग के कामों को करने लगता है। अब किंग का असिस्टेंट
किंग से कहता है, क्यों ना हम जॉन से एक फिनिक्स बर्ड को बुलवाएं। वो एक फायर बर्ड था और उसको लाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब किंग का असिस्टेंट ये कहता है कि उसको लाना बहुत मुश्किल है और जॉन उसको कभी भी ला नहीं सकेगा, और तभी आप जॉन को मौत की सजा सुना देना। अब किंग को अपने असिस्टेंट का आइडिया बहुत अच्छा लगता है। किंग अब ये सब जॉन से कहता है। जॉन भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है। अब फॉल को जब ये बात पता चलती है तो वो जॉन से कहता है कि ऐसा करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जिसने भी ऐसा किया है और जो भी उस बर्ड की तलाश में गया है कभी भी वापस नहीं आया। मगर जॉन ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए वो पीछे नहीं हट रहा था। अब फॉल को भी जॉन की मदद करना थी, इसीलिए अब वो जॉन को एक जंगल में ले जाता है, जहाँ पर वो उसको एक ड्रीम नट दिखाता है। वो जॉन को बताता है कि ये फायर बर्ड के स्पेशल नट्स हैं और वो इनको बहुत ज्यादा पसंद करता है। मगर ये नट्स ऐसे हैं, जैसे ही वो फायर बर्ड इनको खाएगा वो गहरी नींद में सो जाएगा, जिसके बाद हम उसको आसानी से पकड़ लेंगे। जिसके बाद अब ये दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर फायर बर्ड रहता था। फॉल उसको ये भी बताता है कि फायर बर्ड जमीन के नीचे रहता है। अब वो उस जगह पर कुछ नट्स को फेंक देते हैं और उस फायर बर्ड के बाहर आने का वेट करते हैं। अब जैसे ही वो फायर बर्ड नट्स की खुशबू सूंघता है तो वो जमीन से बाहर आ जाता है। अब वो फायर बर्ड मजे से उन नट्स को खा लेता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही जॉन उस फायर बर्ड को पकड़ने जाता है तो वो दोबारा से जिंदा हो जाता है। अब वो फायर बर्ड जॉन के पीछे पड़ जाता है। वो उनको पकड़ने के लिए जॉन और फॉल के पीछे भागता है, जिसकी वजह से पूरे आइलैंड पर आग लग जाती है। उस फायर बर्ड ने जॉन और फॉल को पकड़ लिया था, जिसके बाद जॉन अपने पास आखिरी नट पड़ा हुआ उसकी तरफ फेंक देता है। जैसे ही वो फायर बर्ड उस नट को खाता है वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब वो जागता है तो उसको पता चलता है कि उन लोगों ने उसको चैन में कैद कर लिया था। जब जॉन उस फायर बर्ड की तरफ देखता है तो वो ये देखता है कि उसकी आंखों में आंसू थे। ये देखकर जॉन को बहुत ज्यादा बुरा फील होता है, जिसकी वजह से वो उस फायर बर्ड को आजाद कर देता है। जैसे ही वो फायर बर्ड आजाद होता है वो अपने पंख फैलाकर वहाँ से उड़ जाता है, और जाते हुए वो अपना एक पंख जॉन को दे देता है, और वो पंख हीट की वजह से ग्लो कर रहा था। फॉल जॉन को कहता है कि किंग अब तुम्हें नहीं छोड़ेगा, मगर जॉन फॉल से कहता है कि शायद वो इस पंख से किंग को ये यकीन दिलवा दें कि उन्होंने फायर बर्ड को पकड़ा था। जब वापिस जॉन किंग के पास जाता है तो किंग जॉन की किसी भी बात पर यकीन नहीं करता। अगले ही दिन जॉन को मौत की सजा के लिए लाया जाता है। जॉन वो पंख निकालकर सबको दिखाता है, मगर वो पंख अब ग्लो नहीं कर रहा था, और किंग जॉन को मारने का कहता है। जब किंग जॉन को मौत की सजा देने लगता है तभी वहाँ पर फायर बर्ड आ जाता है, जिसको देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, और वहाँ पर इकट्ठे सभी लोगों को जॉन की बातों पर यकीन आ जाता है, जिसकी वजह से अब किंग को जॉन की सजा खत्म करनी पड़ती है, और साथ ही जॉन को किंग प्रमोशन भी दे देता है। इस बात पर किंग और भी ज्यादा गुस्सा होता है। अब वो अपने मिनिस्टर को कुछ और प्लान सोचने का कहता है। बहुत ज्यादा सोचने के बाद किंग का मिनिस्टर उसको एक आइडिया देता है। वो कहता है कि क्यों ना हम इस बार जॉन को एक माउंटेन की प्रिंसेस को लाने भेजें। पहले तो जॉन इस बात पर कामयाब नहीं होगा, और अगर वो ऐसा कर लेता है तो इसमें आपका ही फायदा है। आप उस प्रिंसेस से शादी कर लेना, दोनों ही तरफ में आपका फायदा है। किंग को ये आइडिया बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो जॉन को इस मिशन पर भेज देता है। अब जॉन उस सार माउंटेन पर पहुंच जाता है जहां पर वो प्रिंसेस रहती थी। वो देखता है कि माउंटेन पर कैसल के अंदर जाने का रास्ता एक बहुत ही मोटी बर्फ से बना हुआ है, जिसको तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तभी अचानक से वहां पर फायर बर्ड का एक पंख उड़कर आता है और उस बर्फ की दीवार में लग जाता है, जिससे वो दीवार टूट जाती है, जिससे वहां पर एक पानी का सैलाब आ जाता है। फॉल उसमें बहकर नीचे गिर जाता है और एक स्नोबॉल की तरह माउंटेन से नीचे गिर जाता है। जॉन अब कैसल के अंदर जाता है, उसको वहां पर बहुत ज्यादा लड़कियां नजर आती हैं और वो सभी लड़कियां सो रही थी। अब उनमें से असल प्रिंसेस कौन सी थी ये जानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था।
था, लेकिन उस फायर बर्ड का एक पंख खाकर एक लड़की के पास गिर जाता है, जिससे कि जॉन ये बात समझ आता है कि वही लड़की प्रिंसेस है। जॉन उस लड़की की खूबसूरती को देखकर हैरान हो जाता है और उसको बताता है कि उसके किंग उससे शादी करना चाहते हैं। मगर वो लड़की जॉन से कहती है कि अगर तुम्हारे किंग इतने ही ज्यादा बहादुर होते तो वो मुझे यहाँ पर खुद लेने आते, और वो ये कहकर वो प्रिंसेस पहाड़ से नीचे कूद जाती है। जॉन भी अपनी जान की परवाह नहीं करता और उस प्रिंसेस के पीछे कूद जाता है। अब फॉल उन दोनों को वहाँ पर बचा लेता है और दोनों को अपने ऊपर बिठाकर आराम से नीचे ले आता है। फॉल जॉन को देखकर ये समझ गया था कि जॉन प्रिंसेस को पसंद करने लगा है। फॉल उसको समझाता है कि अगर ये बात किंग को पता चल गई तो तुम्हारे लिए मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर प्रिंसेस भी सब बातें छुपकर सुन लेती है। प्रिंसेस को भी ये लगता था कि वो शायद जॉन को पसंद करने लग गई है। इसके बाद वो लोग किंग के पास वापस जाते हैं। वहाँ पर सभी लोग इतनी खूबसूरत प्रिंसेस को देखकर हैरान हो जाते हैं। अब किंग जब जॉन को जिंदा देखता है तो उसको गुस्सा तो आता है, मगर किंग के आदमी उसको समझाते हैं कि इसमें उसका ही फायदा है। अब वो लोग जॉन को प्रमोट भी कर देते हैं, मगर जॉन इन सबसे ज्यादा खुश नहीं था। उसको प्रिंसेस की फिक्र थी। अब वो छुपकर प्रिंसेस के पास जाता है। इससे पहले कि वो प्रिंसेस को कुछ बताए, किंग के लोग आकर प्रिंसेस को वहाँ से ले जाते हैं। अब किंग प्रिंसेस को शादी के लिए प्रपोज करता है, मगर प्रिंसेस उससे कहती है कि वो एक शर्त पर शादी करेगी, कि अगर वो प्रिंसेस को वो रिंग लाकर दें जो उसकी दादी की थी, और वो रिंग एक समुंदर में गिर गई थी, और वो रिंग जब तक उसके पास नहीं आ जाती वो शादी नहीं कर सकती। अब प्रिंसेस की बात से किंग वहाँ पर परेशान हो जाता है, मगर तभी वहाँ पर जॉन आता है। जॉन को जब किंग देखता है तो ये काम भी जॉन को कह देता है। जॉन फॉल से उस किंग के बारे में बात करता है, मगर फॉल उसको कहता है कि उस रिंग के बारे में उसको कोई भी नॉलेज नहीं है। मगर फॉल इस बारे में अपनी मदर से बात करता है। वो उसको बताती है कि वो रिंग वेल के पेट में है, जो वेल उनको समंदर के बीच एक आइलैंड के पास मिलेगी। अब जॉन फॉल के साथ जाता है, मगर वहाँ पर कुछ बर्ड्स के टकराने से फॉल नीचे गिर जाता है और पता चलता है कि जॉन उस वेल तक पहुँच गया है। जॉन पानी के नीचे बड़ी बड़ी संचीरों को देखता है और उन संचीरों से बंधी हुई एक बहुत बड़ी वेल को देखता है। जब जॉन पानी से बाहर आता है तो फॉल उसको बताता है ये पूरा आइलैंड ही असल में वो वेल है जिसके बारे में फॉल की मदर ने उसको बताया था। जॉन वेल से पूछता है कि ऐसा उसके साथ किसने किया। वेल जॉन को बताती है कि उसने गलती से कुछ शिप्स को निगल लिया था, इसीलिए वहाँ पर बाकी सेलर्स ने उस वेल को यहाँ पर कैद कर दिया, मगर अब ये वेल अपनी गलती को सुधारना चाहती है। जॉन को उस वेल के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब जॉन को एक आइडिया आता है। वो ये सोचता है कि अगर वो इस वेल को छींक दिलवा दे तो वो इसके अंदर से शिप्स को निकाल सकता है, और अपने प्लान के अकॉर्डिंग वो उस वेल की नाक में चले जाते हैं और उसकी नाक को टिकल करने लगते हैं। तभी उस वेल को एक बहुत बड़ी छींक आती है और वो सभी शिप्स उसके अंदर से बाहर आ जाती हैं, जिसके बाद ये वेल उस समंदर के अंदर दोबारा चली जाती है। उस वेल के जाने के बाद जॉन को वो रिंग याद आती है और जॉन उदास हो जाता है क्योंकि वेल अब जा चुकी थी। मगर तभी वहाँ पर एक क्रैब रिंग को लेकर आ जाता है और वो जॉन को बताता है कि ये वेल ने उसके लिए भेजी है, क्योंकि वो वेल दिल की बातों को जान लेता है। इसके बाद वो रिंग को लेकर प्रिंसेस के पास जाते हैं, जहाँ पर उनकी नज़र उस फायर बर्ड पर भी जाती है जिसको किंग ने बिल्डिंग से बांध दिया था। जॉन प्रिंसेस को वो रिंग देता है, जिसे देखकर वो ये समझ जाती है कि जॉन उसके लिए कुछ भी कर सकता है। उधर दूसरी तरफ किंग का आदमी फॉल को दूरबीन से देख रहा था। उसको बोलता हुआ जब वो किंग का आदमी देखता है तो उसको ये लगता है कि फॉल एक डेविल है। वो सभी लोग वहाँ पर फॉल को पकड़ने जाते हैं और इसी दौरान किंग भी उठ जाता है। वो जब फॉल को प्रिंसेस की विंडो पर देखता है तो वो फॉल को शूट कर देता है, पर जॉन चाहकर भी फॉल को बचा नहीं पाता। इसके बाद किंग ये ऐलान करता है कि जॉन को प्रिंसेस के किडनैप करने के जुर्म में नौकरी से निकाला जाता है और कुछ ही दिनों में उसको मौत की सजा मिलेगी। तभी प्रिंसेस फॉल से मिलती है और उसको बताती है कि उसके एक आइडिया की वजह से जॉन और भी ज्यादा मुसीबत में फंस गया है। वो फॉल को बताती है कि उसने किंग को शादी से बचने के लिए 3 अलग अलग पॉट्स में नहाने के लिए कहा था, जहाँ पर पहले पॉट में उबलता हुआ पानी और दूसरे पॉट में बर्फ का पानी और तीसरे में उबलता हुआ दूध होगा। उसने किंग को बताया कि ऐसा करने से वो दोबारा से जवान हो जाएंगे, मगर किंग को ये सब
ठीक नहीं लग रहा था, जिस पर किंग का आदमी उसको कहता है कि पहले वो इन सब चीजों को जॉन पर आजमा कर देखे। अब प्रिंसेस फॉल को इस बात से बचने का तरीका बताती है, अगर वो पहले पॉट में उसके दादी की रिंग और दूसरे पॉट में उस फायरबर्ड का पंख और तीसरे में लाइफ और डेथ फ्लावर्स डाल दें तो जॉन की लाइफ बच सकती है। फॉल प्रिंसेस से उन फ्लावर्स के बारे में पूछता है, जिस पर प्रिंसेस फॉल को कहती है कि वो फ्लावर्स उसको दुनिया के आखिरी कोने में मिलेंगे। फॉल कहता है कि इन सब में तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, लेकिन प्रिंसेस उसको कहती है कि तुम्हारी स्पीड से ये काम जल्दी हो जाएगा। अब फॉल इंजर्ड होने के बावजूद उन फ्लावर्स को लेने जाता है और अगले सुबह वो पॉट्स भी तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर किंग ये सोचता है कि यही सही वक्त है सबको ये बताने का कि वो कितना रहम दिल है। वो सबको ये बताता है कि ये प्रोसेस असल में जॉन को दिया हुआ दूसरा मौका है, क्योंकि वो अगर इन सब में कामयाब हो गया तो वो जॉन को आजाद कर देंगे। इसके बाद वो जॉन को उस पॉट में धकेल देता है और प्रिंसेस भी चुपके से अपनी रिंग उस पॉट में डाल देती है और उस रिंग के मैजिक से जॉन सही सलामत पहले पॉट से निकलकर दूसरे पॉट में गिर जाता है। ये सब देखकर वो फायरबर्ड चिल्लाने लगता है। उस फायरबर्ड की आवाज उस कैद हुए पंख तक पहुंच जाती है और वो वहां से निकलकर फौरन ही दूसरे पॉट में गिर जाता है, जिसके बाद जॉन तीसरे और फाइनल पॉट में गिरता है। प्रिंसेस फॉल के आने का इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फॉल उस फ्लावर तक पहुंच गया था, लेकिन उस फ्लावर को तोड़ने से पहले फॉल को ये पता चलता है कि इस फ्लावर को जो भी तोड़ेगा उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन इस बात की परवाह किए बिना वो उस फूल को तोड़ लेता है। उधर बाकी सब लोगों को ये लग रहा था कि जॉन मर गया है और वो सभी लोग उदास होकर वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर फॉल आ जाता है जो कि उस फ्लावर को उस पॉट में गिरा देता है। और देखते ही देखते जॉन उस पॉट से एक प्रिंस की तरह बाहर आता है। अब ये देखकर किंग भी पहले पॉट में जंप लगाता है, मगर दोबारा से जवान होने की बजाय वो एक बबल में कैद होकर वहाँ से चला जाता है। सभी लोग इस बात को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो अपना नया किंग जॉन को बना लेते हैं। जॉन और प्रिंसेस फॉल को ढूंढने जाते हैं। फॉल को ये लग रहा था कि अब वो मरने वाला है, मगर प्रिंसेस फॉल को बताती है कि वो फ्लावर सिर्फ उसका टेस्ट ले रहा था। मूवी के लास्ट सीन में हम जॉन और प्रिंसेस की शादी को देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।